हो सकती है और कई मंत्रियों के आज इस्तीफे लिए जा सकते हैं। नए सिरे से मंत्री परिषद का गठन हो सकता है, नए सिरे से। ये बहुत बड़ी खबर है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये चर्चा है कि जो आज मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, कुछ देर पहले योगेश हमारे साथ थे, कई मंत्रियों के इस्तीफे लिए जा सकते हैं और योगेश ने अलवर और अजमेर का हिंट भी दे दिया था। तो वहां से मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं और नई मंत्री बनाए जा सकते हैं और नए सिरे से मंत्रिपरिषद का गठन हो सकता है। नए सिरे से यानी एक बहुत बड़ी कवायद होती है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब सरकार बनती है तो एक तरह से खाका बन चुका होता है, लेकिन अब काफी बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। माना जा रहा है कि कई बड़े चेहरे ड्रॉप किए जा सकते हैं, नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं और संसदीय सचिव तक बदले जा सकते हैं। आप समझिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक पूरे बदलाव के संकेत हैं, बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं। और शायद सरकार जिस शक्ल में आपको दिखाई देती है या दिखाई दे रही है, उस पूरे ढांचे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे। हालांकि अभी इसे लेकर कोई बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हो ऐसा नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास तौर पर अमित शाह का जिक्र करना चाहिए, उनकी तरफ से जो निर्देश हैं कि राजस्थान में क्या होना चाहिए, उसे लेकर नितिन गडकरी की तरफ से अहम भूमिका निभाई गई है। और आज मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे लेकर काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और आज का दिन बहुत बड़ा हो सकता है प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। एक तरफ दिल्ली में एआईसीसी की बैठक है और दूसरी तरफ ये देखिएगा, सरकार में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खासतौर पर अलवर और अजमेर का भी जिक्र है, लेकिन जब बदलाव किया जाता है और पूरा ही बदलाव किया जाना है तो फिर ये बहुत बड़ा चक्कर घूम सकता है। कौन ड्रॉप होगा, कौन लाया जाएगा और जो लाया जाएगा क्या उसके पास इतना वक्त होगा कुछ करने का या कहने का, या फिर ये एक चुनाव में जाने से पहले की कवायद होगी ताकि किसी क्षेत्र को या किसी वर्ग को संतुष्ट किया जा सके। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर आज बात होती दिखाई देगी, इसके संकेत मिल रहे हैं। और क्योंकि ये बीजेपी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है और ठीक राज्यसभा चुनावों के होने के बाद बुलाई गई है, अब इसके बाद में दरअसल कोई चुनाव प्रदेश में बचता नहीं है, अब सीधे विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को जाना है और जितनी चीजें की जानी थी वो सारी चीजें की जा चुकी हैं। अब यहां से सीधे सीधे चुनाव की तैयारी है और मुख्यमंत्री का चूंकि दिल्ली दौरा हुआ है और वहां नितिन गडकरी से एक अहम बैठक और अहम बातचीत हुई है, तो क्या उसमें से निकल करके आया है उसके संकेत या उसका सीधा सीधा क्रियान्वयन आज बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस मंत्रिपरिषद की बैठक में दिखाई देगा। राजपा के बीजेपी में शामिल होने के बाद में किसी एक को मंत्री पद पर जगह मिल सकती है। हालांकि जिस तरह का ये मंत्रिपरिषद की बैठक में फेरबदल अनुमानित है वो बहुत बड़े स्तर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि नए सिरे से अगर मंत्रिपरिषद के गठन की बात हो रही है तो ये एक संपूर्ण ढांचा है सरकार का जिसे एक नई शक्ल दी जाने की कोशिश है और ये एक बहुत बड़ा आज वाकया होगा राजनीतिक। अगर जो खबरें अभी मिल रही हैं सूत्रों से या जानकारी जो मिल रही है बीजेपी के अंदर से, दिल्ली से या जयपुर से।